अर्जुन ने शेट्टी का अड्डा तहस नहस कर दिया। सत्या दादा, फ्रांसिस के 30 आदमी खत्म कर दिए अर्जुन ने। हर जगह तबाही मचाई हुई है उसने। हर बुरे काम करने वाले को चुन चुन के मार रहा है वो। इस वक्त एसीपी अर्जुन इंसान से रॉबर्ट बन गया है। एसीपी अर्जुन ने हमारे 20 आदमियों को भून डाला। गुनहगारों पे शेर की तरह टूट पड़ा है वो। मर्द साला, शेरनी का जिगरा रखने वाली किसी माँ की कोख से जन्म लिया है। बरसों से कोई बराबरी का दुश्मन नहीं मिला था। अब मजा आएगा अपनी तलवार को खून पिलाने का। अमो, कहाँ जा रही हो? मंदिर। आओ गाड़ी में बैठो। हम आओ बैठो। भूत कैप्चरिंग के बारे में सुना था तुम्हें, माँ दुर्गा और चंडी का रूप देखा तो खुशी हुई। अच्छा ये बताओ, मंदिर में क्या मांगने जा रही? तुम्हारी लंबी उम्र, तुम्हारे सपने और तुम्हें। नीचे उतरो। मैंने कहा ना नीचे उतरो। तुम मुझे बहुत चाहती हो ना? तो जाओ उस कुत्ते के मुंह पर कस के थप्पड़ मारो। आए कितने पैसे हुए तेरे? मैं जानता हूं ये रस्मों रिवाज से हटके है, और मैं मानता हूं कि जिंदगी के सौदे दिलों के सौदे। देखो भगवान भी इस बात की साक्षी दे रहा है। सत्यलाल, मैं तुम्हारी वजह से इलेक्शन हारा हूं। खैर मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीफ मिनिस्टर बन के बहुत पैसा कमाया है मैंने, जिंदगी भर ऐश करूंगा। लेकिन अब तुम्हारा साथ देने वाला मिनिस्ट्री में कोई नहीं रहा। अगर कानून की चपेट में आ गए ना, तो जिंदगी भर अपने भाई और बेटों के साथ जेल में कैदियों की हजामत करना, और अगर बच गए तो सड़क पर चने बेचना। सही फरमाया आपने, मेरी ये वर्दी भी चंद दिन की मेहमान है, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं।
क्योंकि सारी जिंदगी जनता की सेवा करने के बजाय मैंने खुद की सेवा की है। मेरे रिश्वत बैंक में इतनी दौलत जमा हो गई है कि मेरी सात पुश्तें आराम से बैठकर खा सकती हैं। चुप, चुप। मैंने कहा था तुम लोगों से कि अपना ईमान बेचकर कुर्सी पर बैठो, बल्कि तुम लोगों की वजह से मेरे जान से प्यारे दोनों बेटे मुझसे दूर हो गए। अब मैं किसके आगे माथा रख लूं, कहां सर झुकाऊं? भैया ये रतन, ये क्या हो गए? किसने किया ये? भैया उस रामजादे एसीपी अर्जुन ने मेरा हाथ काट दिया। भैया ये तो अनहोनी हो गई। दूसरों के हाथ पैर काटने वाले सत्या के भाई का हाथ काट दिया, भैया बना दिया। दूसरों को मौत के घाट उतारने वाले सत्या के बेटे तड़ी पर अर्जुन। सत्या, इन कुत्तों को भेजा था पुलिस को मारने के लिए। तुझे अभी मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। जब तक मैं खामोश हूं ये शहर शहर है। जिस दिन मैंने खामोशी तोड़ी पूरे शहर को मलबे का ढेर बना दूंगा। चल अच्छा बच्चा बन, छोड़ दे इन्हें। चल चल छोड़ दे इन्हें, छोड़ दो उन्हें। शाबाश। चलो 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 चलो। देख लिया पुलिस वालों से पंगा लेने का अंजाम? देख लिया, देख लिया। जब तक आग से हाथ नहीं जलता बच्चे आग को खिलौना समझते हैं। तेरी अभी तक आग से मुलाकात नहीं हुई, इसीलिए तो अपने आप को आग से। इसे कहते आग। ये छोटी सी चिंगारी से डर गया तो मुझ जैसे ज्वालामुखी से कैसे मुकाबला करे? अर्जुन, पंगा नहीं लेना, मिट्टी में मिला दूंगा। चल।